यहाँ कोई करीब गांव है तो वहाँ के एक बुज़ुर्ग नकल मकानी करके हमारे शहर चले गए थे। तो उन्हें जब पता चला कि मेरा रब्ते कल्ब उस आस्ताना रहमत से है तो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो बूढ़े थे तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो बड़े असर रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा हुआ है तो मुझे कोई बात सुनाएं। तो उन्होंने मुझे जो बातें सुनाई तो उनमें से एक बात जो आज मैं अपने मज़मून की मुताबकत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो कहते हैं एक दिन मैं गया तो ऐसे बैठे हुए थे और उनका सर झुका हुआ था और चश्माने अकदस में आंसू थे और रोए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो वो सादगी से बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे कि उन्होंने ऐसे शहादत वाली उंगली खड़ी की और कहा उससे डर बड़ा आता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप में से किसी ने ना देखी हो। जो कम से कम जिन्होंने उनको देखा हुआ है उनकी खशियत और उनके चेहरे पर जो अल्लाह का खौफ है, हमने तो बहुत कम देखा, इतना ज़्यादा नहीं देख पाए, लेकिन जो चंद लम्हे हमें नसीब हुए थे उनकी ज़्यारत के, उम्र हुई उसी पे नाज कर रहे हैं। उस्ताद ज़ौक ने कहा था, आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी, ऐ लोगों तुमने ज़ौक को देखा, तुमने ज़ौक से बातें की हैं। तो हम तो इस बात पे नाज करते हैं कि हमने कुछ लम्हे उनको देखा। हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन सरहंदी ने हज़रातुल कुद्स के अंदर लिखा कि हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैह रहमा फरमाया करते थे कि काश कि हम हुजूर की सोहबत का नूर पाते जिस तरह साहब ने पाया, लेकिन हम नहीं पा सके। लेकिन बड़ा अफसोस इस पे है, लेकिन कभी हम सोचते हैं चलो हज़रत शेख बाकी बिल्ला को तो देखा है। तो अल्लाह जल्ला शानहू की खशियत जो हज़रत के चेहरे पे हवैदा थी जिन लोगों ने देखा है, उनके तसव्वुर में वो दर्द से भरा हुआ चेहरा आ गया होगा। हर वक्त चश्माने अकदस से आंसुओं की लड़ी का जारी रहना और अकीदतों के वो ज़ाते बारी से, ज़ाते रिसालत माब से जो उनके रंग थे। शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा, ये तसव्वुफ में बहुत बड़ा नाम है, अल्लामा इकबाल ने जिस शख्स को अपना पीर माना है उनका नाम है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी। रूमी का नाम है काफला इश्क का सालार है, लेकिन हज़रत रूमी कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछें किसी कामिल का पता तो मैं तुम्हें शेख फरीदुद्दीन अत्तार का पता बताऊंगा। और शेख फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में रूमी अलैह रहमा फरमाते हैं, हफ्त शहर इश्क रा अत्तार गश्त माँ हनूज अंदर खमे यक्कू चाम। इश्क के सातों शहर शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं, हम पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़े हैं। वो फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो अल्लाह के आशिक होते हैं उनकी अलामत क्या है। से अलामत आशिकारा ए पिसर, रंग जर्द आह सर्द चश्म तर। कहा कि आशिकों की तीन अलामतें हैं, रंग जर्द और ठंडी आहें और हर वक्त आँखों से पानी का, आंसुओं का जारी रहना। ये तीन अलामतें बताई, अगर इन तीन अलामतों का मिसदाके कामिल अगर आपने देखना हो तो वो साहिब मिजार की ज़ाते सुफ़ात जिन लोगों ने देखा। तो खशियत इलाही उनके रवा रवा में थे, खुदा का खौफ, खशियत इलाही। जबकि ये वो शख्सियत हैं के 91 साल की उम्र के अंदर उनकी एक नमाज कजा तक भी नहीं हुई थी। नमाज छोड़ देना या नमाज का वक्त पे अदा ना होना ये तो अलग बात है, कभी जिंदगी उनकी जिंदगी में कजा तक नमाज नहीं हुई थी, जिनके तकवे का ये आलम है। लेकिन अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, तो ये सूफिया की जिंदगी है। सूफिया की जिंदगी का एक रूप इत्तेका है, तकवा है। और जितना मर्तबा रफ़ी होगा उस कदर ही तकवे की मंजिल उसकी मुताबकत में होगी। जितना ऊंचा होगा, जितना बुलंद और रफ़ीउल मर्तबत वजूद होगा तो तकाज़े भी उतने ही अहम होंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ए नबी की अजवाज
अगर तुमसे कोई ऐसा मामला सरजद हो जाए तो तुम्हें दुगना अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम मेरे नबी की बीवियां हो। निस्बत ऊंची है तो फिर उसकी पकड़ भी उसके मुताबिक है, तो तकवा भी उसके मुताबिक होगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ फरमा थे कि एक औरत आई और उसने कहा मैं कोई मसला पूछना चाहती हूँ, तो आप फरमाए पूछिए। उसने कहा मैं सूत काटती हूँ, और जब चांदनी रातें होती हैं तो चांदनी रात के अंदर भी सूत काट लेती हूँ, कभी बादशाह की सवारी गुजरती है तो सोने के शमादान लिए खुदाम आगे आगे चल रहे होते हैं तो माहौल में रोशनी पैदा हो जाती है, तो वहाँ भी काट लेती हूँ। मैं ये पूछने आई हूँ कि क्या उस रोशनी में काटा हुआ सूत मेरे लिए जायज़ भी है। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे खातून पहले बताओ तुम कौन हो। तो खातून ने कहा कि साइल की ज़ात नहीं पूछी जाती, आप मसला बताएं। फरमाया नहीं, बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं साइल की हैसियत से मसले की नौइयत बदलती है, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कौन हो। उसने कहा मैं हज़रत बिशर हाफ़ी की हमशीरा हूँ। फरमाया फिर तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। मर्तबा ऊंचा हो तो फिर उसकी एहतियातें भी उसके मुताबिक होती हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले मोहब्बत, जिनका तज़किरा हमारे लिए करार कल्ब और तस्कीन जहाँ है, आप एक दावत में तशरीफ़ ले गए तो साहिब दावत ने जो चीज़ें तैयार कर रखी थी वो सामने रखी, तो आपने शोरबे में रोटी को भगो करके जब लिया तो शोरबा बड़ा लजीज महसूस हुआ, तो साहिब खाना को बुलाया और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं शोरबा थोड़ा सा पी लूँ। तो उसने कहा हज़रत ये सब कुछ आपके लिए ही रखा हुआ है। तो फरमाने लगे नहीं, शोरबे का उर्फ़ माकूल है मशरूब नहीं, शोरबा जो है वो जो मेज़बान रखता है वो खाने के लिए रखता है, पीने के लिए नहीं रखता, और मैं उदफ से हटने लगा हूँ इसलिए तुम्हारी इजाज़त मेरे लिए लेना ज़रूरी है, क्योंकि तुमने तो इस हिसाब से तैयार किया है ना कि ये खाया जाएगा और मैं अब पीने लगा हूँ, अब मेरे देखा देखी सारे पीने लग जाएं तो वो तो एक झटका नहीं लेगा। हमारी शादियों पर होता है वो दही होता है बतौर चटनी रखा होता है, लोग गिलासों में डाल के पीना शुरू कर देते हैं और वो झटका भी नहीं लेता और फिर वो कहते हैं कि वो कम पड़ गया, हालांकि कसूर तो अपना है। तो जिस कदर मर्तबा ऊंचा होगा उसकी एहतियात भी उसके मुताबिक होगी। तो अल्लाह वालों की जिंदगियों का मुताला करके देख लें, उनके शबो रोज का मुताला करके देख लें कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को तकवे के नूर से माला माल रखा है। तकवा है क्या? तकवा हिजमो एहतियात से जिंदगी गुजारना है, अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए, उसके किसी हुक्म की अदायगी में फर्क ना आ जाए, जिस चीज़ से मना किया है कहीं उसका इर्तिकाब ना हो जाए, मालिक की हर सूरत में रजा। तो अगर साहिब उसकी आप अगर ज़िंदगी देखें, जिन लोगों ने उनको देखा हुआ है तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो तकवे के आला मुकाम पे फैज़ुल मराम थे, उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा शरीयत बैज़ा की मुताबकत में गुजरता था और वो अपने रब की याद में अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ बसर किया करते। शरीयत बैज़ा की पाबंदी ये सूफिया की ज़िंदगी है कि वो अपनी ज़िंदगी को उस दायरे में रखते हैं, वो अपने आप को शरीयत से मावरा नहीं समझते। जिस तरह के दौरे मौजूद के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई एतराज़ की उंगली भी कोई उठाए, हम जो चाहें करें, शरीयत तो आम लोगों के लिए है, हम तो उसके मुकल्लफ़ नहीं हैं, अगरचे वो जुबान से ना कहें लेकिन उनका अमल और रवैया यही बता रहा होता है। लेकिन मेरे हुजूर क़िबला आलम की जिंदगी का मुताला करें, आप जिस तरह मुरीद पर शरीयत को लागू करार देते हैं पीर भी उसी तरह शरीयत के अहकाम की बजा आवरी का पाबंद है, तू मुरीद ते पीर तेरा दोवा शरीयत लग दिए हुक्म फर्क प्याजे वाल बराबर बदनामी दो जगह। तो चाहे मुरीद हो चाहे पीर हो शरीयत की इत्तेबा सब के ऊपर लाजिम है और अहले तसव्वुफ और सूफिया वो अपनी सारी जिंदगियां इस तरह बसर करते हैं कि